अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा किराम, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से सालाना इम्तहान 2021 के लिए क्लास 1 से क्लास 8 के पेपर तैयार करने के लिए आइटम बैंक की शक्ल में मवाद वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने इस वेबसाइट पर कैसे लॉगिन होना है, पेपर किस तरह तैयार करना है और पेपर तैयार करने के बाद उसे सेव, डाउनलोड और प्रिंट कैसे करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र में जाएंगे और टाइप करेंगे 182.176.19.149, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। एंटर कर देंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल जाएगा, पैक आइटम बैंक सिस्टम। इसमें आप अपने स्कूल का EMIS कोड दर्ज करेंगे और पासवर्ड की जगह पर आपने 1 से लेके 9 तक नंबर टाइप करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये एक जनरल पासवर्ड है, इसके जरिए आप पहली दफा इस सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं। यहां से साइन इन हो जाएंगे, आपके सामने ये पेज खुल गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल का नाम यहां पर शो होगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहां आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा है साइड मेन्यू में, आपने इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन में आपके पास आ जाएगा चेंज पासवर्ड। यहां आपने चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, नया पासवर्ड टाइप कर देंगे। और फिर इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा टाइप करेंगे और चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब आप डैशबोर्ड पे चले जाएं, यहां देखें आपके पास जनरेट पेपर का ऑप्शन शो हो रहा है। यहां क्लिक करके भी आप पेपर तैयार कर सकते हैं या साइड मेन्यू में देखें जनरेट न्यू पेपर, यहां पर भी आप क्लिक करके पेपर तैयार करना शुरू कर सकते हैं। ये आपके सामने एक पेज खुल गया है, यहां आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट पेपर ग्रेड और साथ में सिलेक्ट पेपर सब्जेक्ट। यहां से आपने ग्रेड सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी क्लास का पेपर तैयार कर रहे हैं। यहां मैं 5 सिलेक्ट करता हूं और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर तैयार करना है। यहां से देखिए मैं साइंस सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पेपर टाइटल फॉर स्कूल रेफरेंस, यहां पर आपने अपने स्कूल का नाम टाइप कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट पेपर जनरेशन पे क्लिक करेंगे, यहां देखें ये साइंस का पेपर आपके सामने आ गया है। यहां क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक ऑप्शन दिए गए हैं। इस वक्त आपके सामने ये एक क्वेश्चन ओपन है और इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हर क्वेश्चन के 4 अज्जा में से आपने एक जुज सेलेक्ट करना है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में आपका पहला क्वेश्चन होगा। तो यहां देखें साइड पर हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये देखें यहां पर ये डॉट का साइन है, यहां आप क्लिक करेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहां से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह आप इन 25 सवालों में से हर एक के लिए अपनी मर्जी का एक एक सवाल
सेलेक्ट करेंगे। आखिरी सवाल के बाद आपके पास यहाँ नेक्स्ट की बजाय फिनिश का ऑप्शन आएगा, तो आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपने जो पेपर तैयार किया है वो आपका पेपर यहाँ लिस्ट में शो हो जाएगा। तो यहां पर देखें, इसके सामने आप देख सकते हैं कि एक्शन का एक बटन है। इस एक्शन बटन पर क्लिक करके आप इस पेपर को व्यू भी कर सकते हैं और प्रिंट भी। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये पेपर मुकम्मल आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहां से आप प्रिंट करने के लिए कमांड देंगे कंट्रोल पी। यहां पर देखें, यहां से अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो आप पेपर को प्रिंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये पहला ऑप्शन देखें, डेस्टिनेशन इसमें दिया है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका पेपर पीडीएफ की शक्ल में सेव हो जाएगा। अब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास ये लोकेशन और नाम मांगेगा, हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं साइंस फिफ्थ, इसको सेव कर लेते हैं। अब ये पेपर आपके पास डेस्कटॉप पे सेव कर लिया गया है, इसको आप अपनी यूएसबी के जरिए कहीं भी ले जाकर प्रिंट करवा सकते हैं, या आपके पास अगर अपना प्रिंटर मौजूद है तो आप खुद से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप तमाम पेपर्स तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद आप यहाँ साइड मेन्यू में देखें जनरेटेड पेपर्स लिस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जितने पेपर तैयार किए होंगे वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ से एक एक पेपर आप इस तरह पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे और उनको फिर अपनी मर्जी से आप प्रिंट करवा सकते हैं। क्लासेस 3 से लेके 8 तक आप इस तरह पेपर तैयार कर सकते हैं। क्लास 1 और 2 के पेपर तैयार करने के लिए यहां देखें साइड मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है पेपर्स ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एंड नाजरा। यहां इस ऑप्शन में इन क्लासेस के पेपर्स तैयार करके दिए हुए हैं, ये देखें ग्रेड 1 इसके चारों पेपर दिए हैं, ग्रेड 2 के हैं और फिर ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 8 तक नाजरा के पेपर दिए गए हैं। इन पेपर को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां देखें ऑप्शन दिया है क्लिक टू डाउनलोड, इस पर आपने क्लिक करना है और इन पेपर्स को डाउनलोड कर लेना है। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।